Welcome. So my experience with Singapore Airline and Toto Singapore Airport. So ये बस हमारा इंडिया का एयरपोर्ट है और मैं और रजान बस अबाउट टू गो टू कैच सिंगापुर एयरलाइन और बस हम एरोप्लेन में बैठ गए थे. सिंगापुर इज द बेस्ट एयरलाइन. आई थिंक इट्स बिट एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थ ट्रैवल विद सिंगापुर एयरलाइन. सो या इट्स अमेजिंग. द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल और उनकी जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही स्वीट है. तो बहुत अच्छा लगता है ना जब आप ऐसे लाइफ में थोड़ा सा पैसे डालते हो तो उनके साथ आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो. ये कोई हमको एक छोटा सा हमेशा स्नैक्स मिलता है जो मुझे बहुत पसंद है, पीस एंड क्रैकर. ये फूड की क्वांटिटी एंड द क्वालिटी बहुत अमेजिंग. इतना भरपूर मिलता है कि इनफैक्ट क्योंकि ये रजान का मील था मेरा मील था वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी वाइज था कि वो बच ही जाता है. और या वी आर अबाउट टू टेक ऑफ और ये हमने लैंड कर दिया था सिंगापुर एयरपोर्ट पे. और यहाँ पर रजान बहुत एक्साइटेड हो रहा था. एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लिए हमको कैच करना था वहाँ से ट्रेन जो उनके एयरपोर्ट के अंदर ही करती है मेट्रोज. तो हमने वो कैच किया और इट्स रियली अमेजिंग कि इनका मतलब आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है. बच्चों का प्लेग्राउंड से लेकर प्ले एरिया से लेकर स्मॉल थिएटर्स. आपने ये सीट्स देखी है ना वहाँ पर थिएटर भी था और बहुत ही अमेजिंग थिंग कि प्रेयर रूम्स है और साथ ही साथ मेडिटेशन रूम्स भी था. तो मैंने और रजान क्योंकि हमारा 5 घंटे का हॉल्ट था सिंगापुर में तो हम मेडिटेशन रूम में गए और वहाँ पर मैट्स भी अवेलेबल्स थी. तो बस मैंने मैट लगा दिया था और मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और वहाँ पर टॉयज़ भी रखे हुए थे. तो रजान ने वो टॉयज़ से वो थोड़ा खेल रहा था. तो इट वाज़ अमेजिंग. मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है. और या ये हम पहुंच गए हमारा पर्थ. हमने लैंड कर दिया क्योंकि हम जा रहे थे. बहुत ही छोटा सा एक्सपीरियंस था मेरा. मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जब आप भी जाएँ तो थैंक आपका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा. ओके गुड बाय सी.